तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आप सभी का फिर से बस स्वागत है हमारे चैनल टीएच इलेक्ट्रॉनिक्स पे। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमारे पास जो है ये एक होम थिएटर आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, पहले भी हमने जो है इसे बनाया था, मतलब अपग्रेड वगैरह किया था। आप लोग देख सकते हैं ये इसमें पिंस वगैरह लगाए थे। अगर आप हमारे पहले से वीडियोज देखते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा ये वाला भी। तो फ्रेंड्स, इसमें अभी क्या प्रॉब्लम आ रहा है फ्रेंड्स, पहले तो आवाज़ वगैरह घर घर आ रहा था, तो यहाँ से कुछ प्रॉब्लम था तो मैंने उसको तो फिक्स कर दिया। लेकिन अब जो है फ्रेंड्स, सब चीज़ फिक्स करने के बाद क्या प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें बेस बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। ठीक है, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका हमने वूफर निकाला था और इसको जो है हमने अच्छे से टेस्ट किया और इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया पीएम वाले बोर्ड के साथ टेस्ट करके, जिसमें कि ये अच्छे से वर्क कर रहा था। हमने टेस्ट करने के लिए इसे निकाला था कि अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, या बीच बीच में अटक रहा है, तो ठीक से ये काम कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो आप लोगों को सब वूफर चेक करना रहता है कि आप लोगों का स्पीकर गया है क्या, मतलब अगर बेस वगैरह फट रहा है तो उसमें इसका सबवूफर का रहता है, तो उसको आप लोग पहले चेक कर लेते। तो ये देख सकते हैं 4 ओम 20 वाट का ये सबवूफर, 150-200 रुपए या उससे भी ज़्यादा के आसपास का आपको ये सबवूफर मिल जाएगा मार्केट में 5 इंच का। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सबवूफर में प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, तो इसके बोर्ड में प्रॉब्लम होगा। तो चलिए, इसका बोर्ड का यहाँ पे जो फ्रेंड्स पूरा नट्स रहता है, मैंने नट्स को खोल लिया है और अभी मैं इसे ऐसे निकाल लेता हूँ, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है मेरे को लग रहा है कि इसका आईसी ख़राब है, तो आईसी को फ्रेंड्स आप लोग चेक वगैरह कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत आईसी वगैरह या इसका नॉलेज नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग, अगर आपके पास सोल्डरिंग आयरन भी नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है इसको रिपेयरिंग शॉप ले जाएँ और वहीं से रिपेयरिंग कराएँ। लेकिन अगर आप लोगों के पास सोल्डरिंग आयरन है, आप जुगाड़ कर सकते हैं, तो फिर मैं आप लोगों को आगे का रिपेयरिंग समझा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हैं कि इसे जो है मैंने उल्टा कर लिया और इनमें से मैं कुछ वायर्स को निकाल लेता हूँ, ताकि हमें जो है कनेक्शन देखने में आसानी रहेगा। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि होम थिएटर बोर्ड में थोड़ा हीटिंग होता है, तो हमने जो है यहाँ पे फ़ैन इंस्टॉल कर दिया था। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, ये 2 पिन का यहाँ पे कनेक्टर है, यही जो है सबवूफर के लिए आउटपुट है। और इसी के पास वाली जो एकदम आईसी रहती है, जो इसके एकदम पास में रहती है, वही जो है सबवूफर की आईसी रहती है। ठीक है, और बाकी जो आईसी है वो आपके स्पीकर्स को चलाती है। तो जैसे कि आप लोग ये 2 पिन देख रहे हैं, इसके सबसे पास में जो है ये 3rd नंबर की आईसी है। अगर हम सीधाई से गिने तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो इसमें पहला और दूसरा जो है फ्रेंड्स स्टेरियो का है, जो कि आपका स्पीकर का आउटपुट देता है। और जो 3rd नंबर की लास्ट वाली आईसी है, ये आपके सबवूफर को चलाता है। तो ये 3rd नंबर की आईसी यहाँ पे ख़राब हो सकती है। और फ्रेंड्स, जनरली जो है लास्ट वाला है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, तो लास्ट वाला 3rd नंबर का आईसी सबवूफर को चलाता है। सबसे पहले आप लोगों को इसका कंट्रोलर चेक करना है, जो कि यहाँ पे लगता था, आप देख सकते हैं ये SW IN करके है। यहाँ पे इसका सबवूफर कंट्रोल लगता था, जो कि आगे साइड कंट्रोल होता है इसके। ठीक है, सबसे पहले आपको वो चेक करना है, दूसरी बारी में आप लोगों को सबवूफर चेक करना है। अगर ये सब ठीक है, तो सीधा सीधा इसका मतलब है कि आपका आईसी उड़ गई है। ठीक है, हमिंग वगैरह के वजह से या फिर कहीं शॉर्ट वगैरह होने की वजह से आईसी उड़ जाती है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं आईसी को कैसे निकालना है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये बोर्ड का ये नट है, तो पहले मैं नट्स को निकाल लेता हूँ। अभी आप लोग देख सकते हैं, पूरा नट वगैरह निकालने के बाद और इसका पूरा जो वायर्स लगा था वो निकालने के बाद हमने जो है बोर्ड निकाल लिया है। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आप लोग इसका वायर निकाल रहे हैं, तो आप लोग जो है एक बार उसका फोटो खींच के रख लीजिए अपने सिक्योरिटी के लिए, कि आप लोगों को फिर याद रहे कि कौन सा वायर कहाँ पे लगना है। ठीक है, मेरे को तो यहाँ पे समझ आ जाएगा, तो मैं फोटो वगैरह नहीं खींचाऊँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आईसी निकालने पे जाऊँगा। और देख सकते हैं फ्रेंड्स, पहले से ही इस बोर्ड में काफ़ी रिपेयरिंग हो चुका है, मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं, इसका एक ये वाला कैपेसिटर चेंज हुआ है, कुछ डायोड भी चेंज हुआ है, इसमें एक आईसी भी चेंज हुआ है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे इस आईसी को ही बदल, आईसी बदलने के लिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, पहले आईसी का नट खोल लेंगे हम। ये कोने वाली आईसी रहती है 3rd नंबर की, जो कैपेसिटर का साइड लगी है हमारे कंडीशन में, आपके कंडीशन में और कुछ भी हो सकता है। तो देख सकते हैं, पहले आईसी को अलग कर लेंगे यहाँ से, हीट सिंक से भी। देख सकते हैं ये आईसी अब यहाँ से निकल चुकी है। अब हम जो है इसको डीसोल्डर करेंगे, डीसोल्डरिंग वायर से, मैं आप लोगों को पूरा दिखा दूंगा। ठीक है, इसको कैसे निकालना है, इसका पहले ये पूरा पीछे का जो शोल्डर है उसको निकाल लेंगे, फिर आईसी आसानी से बाहर निकल। अभी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से जो है हमने आईसी निकाल लिया है, मैं आप लोगों को आईसी दिखा देता हूँ। ये है वो आईसी फ्रेंड, जो कि यहाँ से निकला है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी जो है हम इसमें सही वाला आईसी लगा देते हैं, फिर मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी जस्ट टेस्ट करने के लिए हमने क्या किया कि इधर जो स्टेरियो में जो एक आईसी लगा रहता है, उसको हमने सबवूफर की आईसी से रिप्लेस किया है। ठीक है, तो अभी जो है हम सिर्फ चेक कर रहे हैं कि आईसी ही ख़राब है कि और, क्योंकि हमारे पास अभी फिलहाल आईसी नहीं है, तो आईसी हम बाद में लगा देंगे। लेकिन हमने जो है अभी फिलहाल स्टेरियो की एक आईसी को इसमें सबवूफर में रिप्लेस किया। तो चलिए अभी टेस्ट करके देख लेते हैं। ये हमने सारे वायर्स फ्रेंड्स ऐसे ही कनेक्ट कर दिया है टेम्परेरी के लिए। तो चलिए अभी हम जो है इसे पावर ऑन कर लेते हैं और देखते हैं कि ये इसमें साउंड आता है या नहीं।
तो फ्रेंड्स इसमें एकदम कम से ब्लूटूथ मोड करके साउंड आया था, तो चलिए अभी हम सॉन्ग प्ले करके देख लेते हैं कि बेस वगैरह आ रहा है कि नहीं इसमें। अभी जो है फिलहाल इसमें बेस का काम तो ठीक हो गया, मतलब इसमें बेस तो आ रहा है, लेकिन फ्रेंड्स एक और दिक्कत मैंने इसमें देखी कि इसमें जो है बेस एकदम फट रहा है। तो फट रहा है वो इसलिए हो सकता है कि इसका स्पीकर खराब है, तो या फिर ऐसे हो सकता है कि हमने जो अभी लूज कनेक्शन किया उसकी वजह से भी हो सकता है। तो हम अभी ऐसा करेंगे फ्रेंड्स कि जब इसका पूरा कनेक्शन हो जाएगा, मतलब कि जब इसमें थर्ड आईसी भी लग जाएगी, तो हम जो है इसे एक बार फाइनल टेस्ट करेंगे, उस टाइम पता चलेगा कि इसका स्पीकर खराब है या फिर कनेक्शन वगैरह में कोई दिक्कत। तो फ्रेंड्स अभी आप लोग देख सकते हैं इसका आईसी जो है मैंने चेंज कर लिया है, तीनों आईसी यहां पे लग चुके हैं। या ये वाला जो आईसी आप लोगों को दिख रहा है ये लास्ट वाला, ये वाला मैंने नया लगाया है यहाँ पे, और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है मतलब नीचे थोड़ा सा होल रह गया था, तो उससे क्या हुआ था कि सोल्डर अंदर की साइड आके इसका जो फोर्थ और फिफ्थ नंबर का लैग है उसको शॉर्ट कर दिया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स इससे क्या हुआ कि मैं मतलब आगे आगे सोल्डरिंग कर दिया था, इस साइड में देखा नहीं था, और जब मैं स्पीकर को टेस्ट करने गया तो 3 इंच का ये वाला आप लोग देख सकते हैं, ये वाला इसका स्पीकर जो है ख़राब हो गया, मतलब इसमें से स्मेल आ रहा था और ये ख़राब हो गया, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ का ध्यान रखना है कि इसका कोई भी पिन शॉर्ट ना हो, नहीं तो आपका स्पीकर उड़ जाएगा तुरंत, ठीक है। तो मैं तो सोच रहा था कि आईसी भी उड़ गया होगा उसमें, लेकिन आईसी जो है बच गया, और इसका जो देख सकते हैं शोल्डर मैंने बड़े मुश्किल से हटाया, क्योंकि वो एक बार नीचे आ जाता है तो आसानी से हटता नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका तीनों आईसी अभी कंप्लीट है, और मैं फ्रेंड्स आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ जो इसमें पहले भी मतलब आ रहा था कि बेस और स्पीकर वगैरह का आवाज़ एकदम से फट रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ फ्रेंड्स यूट्यूब भर में आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो आवाज़ फटने का कई सारा रीज़न होता है कि सब ऊपर ख़राब होता है या आईसी ख़राब होता है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने रीज़न पकड़ा है वो मतलब एक यूनिक टाइप का मिला मेरे को, जो कि फ्रेंड्स मैं कल शाम को इसको जब आईसी वगैरह बना रहा था तो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया, मतलब मैं जब आईसी फिट कर रहा था सब कनेक्शन मैंने कर लिया था, सब चीज़ अच्छे से हो गया था, लेकिन यहाँ पे जो है आवाज़ स्पीकर बूफर दोनों में फट रहा था, ठीक है। तो अभी मेरे को सुबह जा करके मेरे को लगा कि एक बार इसको और चेक करना चाहिए कहीं पे क्या प्रॉब्लम है बोर्ड में। तो जब मैं आया फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे को पता चला कि जो कैपेसिटर यहाँ पे ऑरेंज कलर का लगा हुआ है ये जो है नया लगा है, ठीक है, देख सकते हैं ब्लू वाला पहले से लगा था, ऑरेंज न्यू लगा है। तो हुआ क्या फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देखेंगे इसका दो पिंस है, ठीक है, मैं आप दिखा देता हूँ, एक ये वाला और ये जो ब्लैक वायर लगा है, ये ब्लैक वायर वाला ग्राउंड है और ये वाला जो है इसका पॉजिटिव है। तो फ्रेंड्स इसमें हुआ क्या था मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, अभी देख लेता हूँ एक मिनट इसका वायर्स को मैं। हाँ, तो इसमें क्या हुआ फ्रेंड्स, ये जो है यहाँ पे लूज़ था इसका कनेक्शन, तो उससे क्या हो रहा था जब बेस कम आ रहा था तो अब तो ठीक चल रहा था, लेकिन जब ज़्यादा बेस आ रहा था, जब बोर्ड ज़्यादा पावर ड्रॉ कर रहा था, मतलब ज़्यादा एम्पियर खींच रहा था, तो उस टाइम क्या हो रहा था फ्रेंड्स कि यहाँ पर सोल्डरिंग ये थोड़ा सा ढीला था, तो वो वहाँ पे स्पार्क कर रहा था, और स्पार्क का आवाज़ जो है मतलब स्पार्क करेगा तो बोर्ड में अटक अटक के पावर आएगा, तो वैसे ही अटक अटक के जो है आपका सबवूफर और वो स्पीकर भी चल रहा था, उससे जो है आवाज़ फटने लग जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें कि कैपेसिटर का और कोई भी कनेक्शन आप लोग देखेंगे बोर्ड में सही रहना चाहिए। यहाँ पे ये जो एक ग्रीन कलर का ये कैपेसिटर, यहाँ पे ये ग्रीन कलर का ये कैपेसिटर लगा है, यहाँ पे उसका भी ये वाला पिन ढीला था, यहाँ पे भी मैंने सोल्डरिंग वायर लगाया तो उससे जो है ये ठीक हुआ है, अब फाइनली जो है ये एकदम अच्छे से वर्क कर रहा है। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को इसका बेस टेस्ट और साउंड टेस्ट दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी जो है इसका ब्लूटूथ ऑन है और मेरे मोबाइल से भी कनेक्टेड है, तो चलिए साउंड प्ले करके देख लेते हैं कि इसका रिपेयरिंग के बाद कैसा साउंड आ रहा है। तो फ्रेंड जैसा कि आप लोगों ने देखा बहुत अच्छा जो है इसमें साउंड क्वालिटी आ रहा है, और मेन जो है कैपेसिटर के वजह से जो है इसका आवाज़ फट रहा था, जो कि अभी जो है एकदम सही हो गया,
और यहाँ का तो पैनल वगैरह का जो पहले ही मैंने वीडियो बना दिया था कि इसको मैंने पहले ही रिपेयर कर दिया था, तो अगर इसका वीडियो नहीं देखा है आप आई बटन में देख सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप जो है नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और बेल आइकन को साइड पे ऑल पे कीजिए ताकि आपको हमारे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिल सके। और फ्रेंड्स हम लोग जो है होम थिएटर वगैरह या स्पीकर वगैरह से रिलेटेड पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स हर तरीके के आप लोगों को बताते हैं, सबसे मतलब आसान तरीका बताते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्योर हिंदी में हम समझाते हैं सब चीज़ को और सबसे सस्ता सस्ता हम चीज़ सामान आप लोगों को बताते हैं कहाँ से सस्ता और अच्छा क्वालिटी में मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कोई भी इससे रिलेटेड इशू हो होम थिएटर वगैरह से रिलेटेड आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जरूर जवाब देने का कोशिश करूँ। फ्रेंड्स यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा है कि कुछ कमेंट्स जो है ऐसे होते हैं नहीं पता मेरे को जो कि मेरे यूट्यूब डैशबोर्ड में आते ही नहीं है, तो मैं उनका जवाब नहीं दे पाता हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोगों को आपका जवाब नहीं मिलता है विद इन वन वीक तो आप जो है मुझे दोबारा से कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मतलब मेरे पास सामने में कमेंट नहीं आ पाता आप लोग, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।